दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जो मुख्य हत्यारा है लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड कहा जाता है गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में छिपा बताया जाता है। गोल्डी बराड़ की हत्या की खबर आई थी और आज यानी हम देखें एक से डेढ़ महीने के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अपनी मौत के डेढ़ महीने बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ है और इस बार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दूसरी बरसी पर उसने बहुत बड़ा खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, सो कॉल्ड ऑडियो क्लिप जिसे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का बताया जा रहा है। उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या कुछ कहा है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने, जिसके बाद अगर आप सिद्धू मूसेवाला के समर्थक हैं तो आपका गुस्सा भी और भड़क सकता है। गोल्डी बराड़ के दावों में कितना सच है, वो सो कॉल्ड ऑडियो जो गोल्डी बराड़ का बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ आप सुनेंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार जरूर रखिएगा। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़। देखिए दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक तथाकथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में बोल रहा जो व्यक्ति है वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है, जिसमें उसने कई खुलासे किए हैं। हालांकि हम इस ऑडियो के दावों की और आवाज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। ऑडियो में खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाला शख्स कहता है कि मूसेवाला 5 जून को दिल्ली में शो करने वाला था। सिख कौम के लिए 5 जून भारी दिन होता है, बड़ा दिन होता है, क्योंकि उस दिन खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरांवाले की हत्या हुई थी। उसके साथ कई सिख नौजवान मारे गए थे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने यह भी कहा कि जिस कांग्रेस का हाथ आज मूसेवाला के परिवार ने थामा है ना, उसने ही सिखों का कत्लेआम किया था। 5 जून को शो करने के बाद मूसेवाला वर्ल्ड टूर पर जाने वाला था। वायरल ऑडियो में गोल्डी बराड़ कह रहा है कि सिद्धू की हत्या के बाद पंजाब के लोग सिद्धू के परिवार का साथ खूब दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला को शहीद कहकर सिख शहीदों की बेइज्जती ना करें। हम भी आम लोग थे, आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। अपने बारे में कह रहा है कि मैं आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच एक साधारण लड़का था। मैंने भी कड़ी मेहनत से 40-40 घंटे तक ट्रक चलाया, कभी किसी का हक नहीं मारा। मेरे भाई की मौत 12 अक्टूबर 2020 को हुई। उसकी मौत में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। इसके बाद हमने गुनाह का रास्ता चुना। गोल्डी बराड़ ने आगे कहा है कि उसका ऑडियो बनाने का मकसद ये है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है कि सिद्धू मूसेवाला पंथक मानसिकता का मालिक है, सिख समुदाय को अच्छे पक्ष में रख रहा है, लेकिन उनके पिता लोगों को गुमराह कर रहे हैं और युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सिखों का खून पीने वाली पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने बेटे की सोच के खिलाफ जा रहे हैं। गोल्डी बराड़ ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के पिता कई बार ये बात कह चुके हैं कि शुरू से हमने कांग्रेस को वोट डाले हैं, मतलब 1984 में भी इनका परिवार कांग्रेस का समर्थन कर रहा था। गोल्डी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला आने वाले वक्त में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की तरह होने वाला था, जिन्होंने सिखों के साथ गलत किया था। रवनीत बिट्टू को बुलाकर मानसा में ऑफिस का उद्घाटन करवाया था। गोल्डी ने अपने ऑडियो में ये भी कहा है कि आप इसे शहीद कैसे कह सकते हो भाई, इसकी मौत 29 मई 2022 को हुई थी, जबकि इसका 5 जून को दिल्ली में शो था। 5 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह होती है, जिसमें संत भिंडरांवाले समेत 6 से 7 हज़ार निहत्ते लड़के लड़कियां मारे गए थे। इन दिनों में यदि किसी बच्चे का जन्म भी होता है तो परिवार वाले उसे अगले हफ्ते मनाते हैं। गोल्डी कह रहा है कि हमने मूसेवाला को इसलिए मारा क्योंकि हम उसे वो शो नहीं करने देना चाहते थे, फिर वो विश्व भ्रमण पर निकल जाता और पता नहीं करवाता। और इस ऑडियो में गोल्डी बराड़ ये भी कह रहा है कि हम पंजाब में रहें तो पंजाब के विरुद्ध हम कभी नहीं जा सकते। ज़िंदगी में कभी किसी अच्छे व्यक्ति को हमने नहीं मारा है और ना ही कभी ऐसा करेंगे। अगर आप हमारे खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई भी गतिविधि करता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गोल्डी ने कहा कि हम खालिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, पंजाब के साथ हैं और हम हमेशा रहने वाले हैं। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर सुखदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा ज़िले में आज से 2 साल पहले गोली मारकर हत्या हुई थी। पंजाब सरकार के मुताबिक इस मामले में अब तक 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 आरोपी एक एनकाउंटर में मारे गए हैं और 5 को देश से बाहर लेकर आना है और इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियाँ लगातार संपर्क हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी लॉरेंस गैंग का गोल्डी बराड़ है, जो अब सोशल मीडिया पर इस ऑडियो को वायरल कर रहा है।
तो दोस्तों सोशल मीडिया पर जो गैंगस्टर गोल्डी बराड का ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है इसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह से जितनी बातें कही जा रही हैं, गोल्डी बराड अपने आप को खालिस्तानी समर्थक बता रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानी का एंटी कहा जाता है, और लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त खालिस्तानी कैसे हो सकता है। अब इन सब बातों को लेकर माथापच्ची मची हुई है, लेकिन जिस तरह से गोल्डी बराड ये कह रहा है कि कांग्रेस की खिलाफत करो, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राजनीतिक मोड़ देने की से कोशिश की जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, अपने विचार ज़रूर रखिएगा हमेशा की तरह। नमस्कार, जय।